तो गाइस देख सकते हो नरसिंह भगवान का मंदिर, गाइस यहीं से दर्शन कर लो। हम अंदर वीडियो अलाउ नहीं है इसलिए गेट का वीडियो बना रहे हैं, बाकी आप देख सकते हो बहुत अच्छा मंदिर है। तो गाइस पहुंच चुके हैं कर्नाटक में चामुंडा माता के मंदिर पे। शायद अगर अंदर मोबाइल अलाउ होगा तो वीडियो बनाएंगे भाई सच में, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा। तो गाइस कर्नाटक में पहुंच चुके हैं सारे यात्री, और गाइस ये कर्नाटक में चामुंडा माता का मंदिर है भाई। अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, बाहर से आपको व्यू दिखा दूं, बहुत सारी पब्लिक है। और मंदिर देखो कितना प्यारा, और दृश्य आप देख सकते हो। बिल्डिंग में देखे ना तो कितनी बड़ी बड़ी है। दो अभी हम आ चुके हैं मैसूर कर्नाटक में, यहाँ पे वृंदावन गार्डन है भाई, फेमस गार्डन है। दिखाते हैं गार्डन का अंदर का सीन कैसा है, बाकी मेन गेट आपको दिखाऊं और बाकी फिर अंदर जाने के बाद दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ 50 रुपये का टिकट है। वो पहले टिकट लेंगे, टिकट के बाद हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद भाई फेमस गार्डन है, तो आपको दिखाते हैं गार्डन का पूरा व्यू। ये देख सकते हो मेन गेट है भाई, ये यहाँ पे टिकट होगा, टिकट लेंगे। वर्ल्ड फेमस है ना, तो गाइज वर्ल्ड फेमस गार्डन है वृंदावन गार्डन है। देखो इसकी ना दीवार इतनी ऊंची, कम से कम 40-45 फीट ऊंची तो दीवार है ना, ऐसे लगता है जैसे डैम की दीवार है। और गाइज अभी हम जा रहे हैं अंदर, तो 50 रुपये के लेंगे हम, ठीक है। गाड़ी आ रही पीछे देख, आ जाओ गाइज आप देख सकते हो ये है वृंदावन गार्डन, और सामने आप दीवार देख सकते हो, कम से कम 50 फीट ऊंची दीवार है दोनों तरफ। तो मतलब गाइज आप सामने देखते हो 80 फीट के समथिंग दीवार है, और दोनों तरफ ऐसी दीवार है। और भाई अंदर 50 रुपये का टिकट लेके आए थे, और वो सच में ना भाई जन्नत में आ गए, जन्नत में। देखो लाइटिंग, अरे यार तो गाइस आप देख सकते हो यार वृंदावन गार्डन का सीन वाकई में है ना भाई, है ना, जितनी तारीफ करे उतना कम है भाई, देख सकते हो। अरे वाह यार सच में जन्नत मिल गई, जन्नत है ना। लो सिटी पार्क है, कैसा लग रहा है बता रहे? सिटी पार्क क्या है, सिटी पार्क तो कचरा है इसके सामने। ये देख यार, इसके अंदर से गुजरने में ऐसा लगता है जैसे मैं जा रहा हूँ कहीं मतलब स्वर्ग लोग में जा रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है मुझे। वाह यार देखो, वाह गाइज है ना आप देख दो फूल, अरे वाह यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तो है ना बहुत बड़ा गार्डन है, सारा गार्डन दिखाएंगे आपको। ये देखो पानी के फवारे चल रहे भाई यहाँ पे, प्यारे फूल। गाइस आप देख सकते हो यार कितने प्यारे प्यारे फूल है इस गार्डन में, बहुत अच्छे अच्छे फूल है। ये देखो लो, तो गाइस आपको बता दूं इतना प्यारा गार्डन है ना, ये मान के चलो कि सारे दिन है ना यहाँ बैठे रहो, मन ही नहीं रहेगा आपको। तो इधर देखो, इधर दिखा लो, इधर दिखा, हरियाली देखो आप, इधर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा, इधर देखो, और भाई उधर देखो सीन भाई, इधर दिखा भाई। सारे गार्डन में इतनी सारी लाइटिंग, अगर रात को आते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन जाएंगे रात को ही क्योंकि 50 रुपये दिए हैं,
₹50 का ना जूस निकाल के जाएंगे जूस, क्योंकि वैसे तो राजस्थान के, राजस्थान का ना एक एक रुपये का वो करते हैं क्या पता है, एक एक रुपये का वो चूसते हैं, एक एक रुपये का मतलब जूस निकालते हैं जूस। तो ये है तो हम राजस्थान में ना तो पूरे गार्डन में आग लगा के जाएंगे, सोचेंगे कौन आए थे और कहाँ से आए थे लोग, धुम्मा उठा देंगे धुम्मा। चलो सच में गाइस यार बड़ा मजा आया, क्योंकि यार ये गार्डन इतना प्यारा है ना, यहाँ के हर एक चीज स्पेशल है, मतलब फूल से लेके पेड़ से लेके लाइटिंग से लेके पानी के फवारे से लेके सारी चीजें बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। बाकी बता दो ना, यहाँ पर राजस्थान राजस्थान वाले सबसे हटके दिख रहे हैं, ऐसे ना घूम रहे हैं आंधे धुंध तरीके से, भाई सच में बहुत मजा आ गया, सच में मजा आ गया। मेरे पीछे देख सकते हो पूरा बहुत अच्छा है भाई सच में। इसलिए एक काम करोगे क्या, वीडियो बनाओ। सच में ना ब्लॉगर की भी जिंदगी खराब रहती है, पता क्यों? वो वीडियो बनाने में रहता था, सीन नहीं दिख पाता। तो गाइस जी यहाँ पे सबसे ज्यादा पापा की परियां घूम रही है। तो गाइस वृंदावन गार्डन का सीन बहुत अच्छा लगा, और ये देखो बस से हमने सीन देखा, क्योंकि बाली के नगरी में हम घुस गए, यहाँ पे बाली का शासन था। तो गाइस वैसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके भाई को सपोर्ट करना है, और बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को कमेंट करके बताना है मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ, गलती हो तो बताना। थैंक यू सो मच वीडियो।